दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के बारे में बताएंगे जिसने अभी तक 60 से ज्यादा आतंकवादियों और बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नवनीत सिकेरा के बारे में। दोस्तों नवनीत सिकेरा का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। अपनी पढ़ाई में वे अन्य लोगों की तरह स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई करते रहे। उन्होंने प्रारंभ से ही IAS बनने का सपना नहीं था। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में IIT JEE पास कर ली थी। वे शुरुआत से ही पढ़ाई में अच्छे रहे थे, जिस कारण से उनका सिलेक्शन IIT में भी हो गया। कुछ समय पश्चात उन्हें सिविल सर्विस के प्रति रुचि जागृत हुई। इस तरह उनका ध्यान सिविल सर्विस की ओर आया और इस मार्ग में जाने का सोचा। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में UPSC की परीक्षा पास कर ली। उनका पहला प्रेफरेंस IPS का था, इसलिए वे IPS बन गए। वर्तमान में 2021 में उनका ADG पद पर प्रमोशन हो गया और वह इस पद पर कार्यरत है। दोस्तों नवनीत सिकेरा की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो नवनीत सिकेरा का जन्म 22 अक्टूबर 1971 को उत्तर प्रदेश के ईटा में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम मनोहर सिंह सिकेरा है। अपनी 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम ब्याज स्कूल में की। अच्छे अंक आने पर नवनीत ने गणित विषय चुना। वे दिल्ली में हंसराज कॉलेज में प्रवेश के लिए गए थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि सिकेरा के पास अंग्रेजी बोलने की कौशल की कमी थी। वे अपमानजनक रूप से कार्यालय से बाहर आ गए। नवनीत का कोई साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं करने थे, इसलिए उन्होंने IIT की तैयारी की। अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने IIT JEE पास कर ली। उन्होंने IIT रुड़की कॉलेज से अपना IIT पूरा किया। उन्होंने 1989 से 1993 तक IIT किया। इसके सबसे अलावा उन्होंने MBA भी किया। उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से MBA किया है। दोस्तों इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिस कारण से उनका मन पुलिस बनने की ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने IPS बनने की सोची। एक बार कुछ जमीनी विवाद को लेकर पुलिस थाना गए थे। दरअसल उनके जमीन का एक हिस्सा एक लोकल क्रिमिनल द्वारा हत्या लिया गया था। इसी को लेकर वो पुलिस स्टेशन गए थे, मगर वह कंप्लेन लिखने के बजाय उन्हें थाने से बेदखल कर दिया गया। इस अपमान को नवनीत सह नहीं सके। उन्होंने UPSC क्लियर करके IPS बनने की ठानी। वे IPS बनने के लिए तैयारी करने लगे और कठिन परिश्रम के बदौलत उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में UPSC की परीक्षा पास कर ली। उनकी रैंक अच्छी थी तो वो चाहते तो IPS या IAS भी बन सकते थे, मगर उन्होंने केवल IPS बनने की ठानी। वे 1996 के IPS बैच में अधिकारी हैं। IPS ज्वाइन करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग गोरखपुर के सहायक पुलिस अधीक्षक यानी ASP के रूप में हुई थी। ज्वाइन के कुछ वर्षों पश्चात ही उन्होंने पूजा ठाकुर से विवाह कर लिया, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता, मोटिवेशन स्पीकर, परोपकारी और उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक परमादर्श है। उनकी एक बेटा और एक बेटी भी है। उनके बेटे का नाम दिव्यांश सिकेरा है तथा बेटी का नाम आर्या सिकेरा है। 32 वर्ष की उम्र में राज्य की राजधानी लखनऊ में सबसे जवान पुलिस प्रमुख SSP बने। वे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। उन्हें 2001 में जब वे SP के टेक्निकल सर्विस में कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने GPS GIS पर आधारित ऑटोमेटिक वाहन लोकेशन सिस्टम विकसित किया था। इस कार्य के लिए उन्हें UP के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने महिला और नारी सशक्तिकरण पर भी कार्य किया है। उनके द्वारा ही महिला पावर लाइन 1090 विकसित किया गया था, जिसे 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया था। इन सभी के अलावा एक मुख्य वक्ता, कॉरपोरेटर मैटर ग्रोथ हैंकर, पब्लिक सर्वेंट, वुमेन एम्पावरमेंट प्रैक्टिशनर और पॉलिसी डिजाइनिंग विशेषज्ञ भी हैं। इन सब के अलावा वे भारतीय फिल्म लेखक एसोसिएशन के एक सक्रिय सदस्य भी हैं। उनके ही जीवन की कहानी से प्रेरित होकर एक वेब सीरीज बोकाल बनाया गया है। इसमें यह दिखाया गया है कि जब 2004 में SSP के पद पर तैनात होते हैं, तब वो मुजफ्फरनगर के माफियाओं को किस तरह सफाया करते हैं। फिल्म में जिस तरह उन्हें दबंग दिखाया गया है, उस तरह वो अपने रियल लाइफ में भी दबंग आदमी है। दोस्तों नवनीत सिकेरा ने अपनी लाइफ में कई अवार्ड जीते हैं, जिनमें उनका पहला अवार्ड सन 2002 में नवाचार के लिए मुख्यमंत्री का पुरस्कार था। 2005 में उन्होंने विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक जीता। 2013 में उन्होंने राष्ट्रपति का पुलिस पदक जीता। 2015 में उन्हें महानिदेशक की प्रशस्ति डिस्क का रजत मेडल मिला। 2018 में उन्हें महानिदेशक के संचार डिस्क में स्वर्ण पदक से नवाजा गया। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप भी नवनीत सिकेरा का फैन हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से लाइक, साथ ही हमारे YouTube चैनल इंडियन स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।